नवोदय ग्रंथि प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप। घर पे रहना है, घर पे रहकर ही पढ़ना है और सबको पढ़ना है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी बताना है। बच्चों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हो। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? वायु की। और अगर हमें ठंड लग रही है तो हम धूप में जाते हैं, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? धूप की। सर्दी से बचने के लिए हमने धूप का उपयोग किया, और सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर का भी उपयोग करते हैं। आप लोग स्कूल कैसे जाते हो? कभी कभी आप पैदल भी जाते हो, कभी आप रिक्शे से भी जाते हो, और कभी कभी साइकिल से भी जाते हो। और आप किताब पढ़ते हो, पुस्तक, वो कहाँ से आती है, वो कैसे बनती है, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ें हैं। इतने जो मैं प्रश्न कर रही हूँ वो सब क्या कहलाते हैं? जीवन जीने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? यदि हमें एक दिन जल ना मिले तो क्या हम रह पाएंगे? ये सब क्या है बेटा? ये हमारे लिए संसाधन है जीवन जीने के लिए, कि हम कैसे जीवन को जिए। इसके लिए जो उपयोग की चीज़ें हैं वो हमारे संसाधन करता कहलाते हैं, जैसे जिससे हम उपयोग कर सकें अपने दैनिक जीवन में। जैसे एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हमारे जीवन में होती है वो संसाधन कहलाते हैं। अब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें मूल्य देकर लेने पड़ते हैं, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, जो हमें अपने आप मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग जल के लिए हमें मूल्य भी देना पड़ता है और हमें ये अपने आप ही मिल जाते हैं। कैसे? आपको समझाती हूँ। जब बारिश होती है तो पानी अपने आप आता है, चाहे जितना आप पानी भर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई हमें लेना देना नहीं। लेकिन जब हमारे यहाँ कनेक्शन से पानी आता है तो उसमें हमें मूल्य देना पड़ता है, उसका पैसा हर साल हमको, जैसे टैक्स लगता है, वाटर टैक्स लगता है। तो इसमें हमें मूल्य भी लगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी है नदियों में, तालाबों में, आप नदी में चाहे जितना पानी पी लीजिए, कोई नहीं मना करेगा, चाहे जितना भर लीजिए। लेकिन वही पानी जब हमारे घर तक आता है और पाइप के द्वारा, तो उसमें हमारा टैक्स लगता है, यानी हमें उसमें मूल्य देना पड़ता है। अब आप देखिए धूप, आप धूप का उपयोग कपड़े सुखाने के लिए भी करते हो, और गेहूं सुखाना, खेती के लिए धूप, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको किसी को कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। इसलिए वो क्या है, उसमें हमें मूल्य नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर हमें सर्दी से बचने के लिए हमने धूप का उपयोग किया, यदि और इसके बाद अगर घर के अंदर आए तो धूप तो नहीं आएगी ना घर के अंदर, तो हमने उसके लिए स्वेटर पहना, रजाई ओढ़ी, तो उसके लिए क्या करना पड़ा हमें? वो संसाधन उपयोग करने के लिए हमें मूल्य देना पड़ा, मूल्य को चुकाना पड़ा, तब हम उस संसाधन को उपयोग कर सकें। तो बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमें मूल्य दे करके उपयोग करते हैं, और कुछ ऐसे ही होते हैं। आप पैदल चले जाइए, कोई मूल्य नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब आप रिक्शे से जाओगे तो उसी गंतव्य के लिए आपको मूल्य देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? संसाधन है। साइकिल क्या है? एक संसाधन है। तो बेटा जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, कुछ हमारे प्राकृतिक होते हैं और कुछ अर्जित किए जाते हैं। ये इंसान अपने दिमाग से, कहते हैं ना, संसाधन प्रकृति में उपहार स्वरूप है। उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं का मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी से उपयोग कर लेता है, वो संसाधन उपयोगी हो जाते हैं। तो ये आपके संसाधन हैं। एक वस्तु या पदार्थ जिसका हम उपयोग कर सकें वो क्या हो जाएगी? वो संसाधन हो जाएगी। उसका हम उपयोग कर सकते हैं तो वो संसाधन बन जाता है, वो संसाधन कहलाता है जिसका हम उपयोग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंखा है, पंखा हम मूल्य देकर लाते हैं, उसका उपयोग कब होता है? जब हमें गर्मी लगती है तो हम उस अपने संसाधन का उपयोग अपनी गर्मी को दूर करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बेटा संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन और एक मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन और मृदा यानी मिट्टी, वन यानी जो पेड़ पौधे हैं हमारे यहाँ जितने लगे हुए हैं, अगर वन ना होते तो हमें फल ना मिलते, सब्जियाँ ना मिलती,
जल, जल जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों से, सागर से, तालाबों से, पोखरों से, आता कहाँ से, आकाश से। जब पानी बरसता है वो इकट्ठा करते हैं तो वो जल होता है, ठीक है। अब नदियों का उद्गम तो पहले से ही हुआ था, तो नदियाँ ये हमेशा सदाबहार हैं। इसके बाद सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है, उसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है, उसका कैसे आप उपयोग करते हैं। सूर्य का प्रकाश हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, खेती के लिए, जीवन के लिए, पौधों के लिए, सबके लिए प्रकाश की ज़रूरत है। बिना प्रकाश के हम लोग कुछ भी नहीं हो सकता, ये नील हो जाएगा जीवन। जैसे कि आपको खेती करना है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कपड़े सुखाने तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, आपको सोलर एनर्जी बनानी है तो उसके लिए भी प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। खनिज पदार्थ जैसे सोना, कोयला, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ हैं। आपके पास ये अपने खुदाई की नीचे, धरती के नीचे से निकलते हैं, और ये उन खनिज पदार्थों का हम एज इट इज़ प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, यानी मानव निर्मित करके ही उपयोग लाते हैं। जैसे कोयला है, कोयला हमने निकाला और कोयले को हमने फिर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते उसको ना, पहले उसको गर्म किया, फिर उसमें आग बनाई और फिर उस पर भोजन तैयार किया। ऐसे ही सोना, सोना हमें मिला, फिर हमने उसको गलाया, फिर अपने आभूषण तैयार किए, तब फिर हमने उसका प्रयोग किया। मृदा, मिट्टी जो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, यदि मिट्टी ना होती तो कोई खेती नहीं हो सकती, मानव जीवन संभव ही नहीं है बिना मिट्टी के। तो ये हमारे कौन से साधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब मानव निर्मित संसाधन जैसे घर है, सड़क है, पुल है, अस्पताल है, मकान है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, टीवी है, ये घर है, सोफ़ा है, मेज़ है, पुस्तकें हैं, पेन है, ये सब क्या है, ये हमारे मानव निर्मित संसाधन है। इसको हम लोगों ने खुद बनाया है अपने दिमाग से, तकनीकी प्रयोग करके। और मानव संसाधन, मानव स्वयं एक संसाधन है, अगर मानव ही ना होता तो ये मानव निर्मित संसाधन कैसे मिलते। तो हमारे संसाधन तीन प्रकार के हुए। तो प्राकृतिक संसाधनों, इनका उपयोग कैसे करना है, कितना इसका उपयोग करना है, कितना नहीं, तो हम लोग के हाथ में है। पानी, पानी को हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, जितना हो उसको उपयोग करें, जब बरसात होती है उसको एकत्रित करें, किसी भी चीज़ का बहाना बर्बाद करना सब हानिकारक होता है। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थों का उपयोग एक ही बार के होता है, या उसको भी अच्छे से संभाल के हमें करना चाहिए, क्योंकि खनिज पदार्थ एक बार अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उसको बनने में हजारों वर्षों साल लग जाते हैं। उसी से जैसे पेट्रोल डीजल जो आता है, तो उसको अगर ख़त्म हो जाएगा तो मिलना नहीं है, इसलिए उसका उपयोग बहुत ज़रूरी है कि हम संभाल के करें। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें संभाल के ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दिक्कत आ जाएगी, हम लोग हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाएंगे। मिट्टी, मिट्टी का उपयोग सही से करिए, जितना हो उसके बंजर ना छोड़िए, उसको उपयोग करिए, एक बार खेती की दोबारा खेती, तो उस सबको सही से। संसाधन क्या है, एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता संसाधन कहलाती है, या यूँ कहिए संसाधन प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं का मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से अपने लिए उपयोगी बनाता है। तो संसाधन आप तीन प्रकार के, इसका मैंने विभाजन किया है, ये देखिए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो बच्चों इसमें तीन प्रकार से, यानी इसका वर्गीकरण मैंने तीन प्रकार से किया है संसाधन का। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन और मृदा। तो बेटे तीन इसमें किया, जिसमें प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है हमारा, जल, जल भी आपको प्राकृति के नदियों से मिलता है, झरनों से मिलता है, तो ये इसके लिए हमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी हमें ऐसे मिलता है, क्योंकि इसमें भी हमें मूल्य नहीं चाहिए, आप जितना उपयोग करिए, इसके लिए हमें कोई पैसा या किसी को कुछ देकर खरीदना नहीं पड़ता। खनिज पदार्थ, वो जो हमें नीचे से, धरती के नीचे से मिलते हैं, जैसे सोना चांदी, तो इसमें हमें मूल्य दे करके इसका उपयोग कर सकते हैं। वन, ये भी हमारे प्राकृतिक हैं, और प्राकृतिक संसाधन वन में जैसे हमें मिले हुए, इसमें हमें क्या क्या, लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मृदा, मिट्टी जो कि भी प्राकृतिक है अपनी, इसमें अभी हमें पैसा नहीं है, धरती बनती है, मकान बनता है, और हम इस पे धरती पे ही हैं, मृदा पे ही हैं, तो ये ऐसी है कि प्राकृतिक संसाधन है, ये हमें अपने आप मिले हुए हैं।
मानव निर्मित संसाधन, अब देखिए मानव निर्मित संसाधन ये घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीन, बांध, कारखाने, गाड़ी, घोड़ा, सोफा, पुस्तकें, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, हमने स्वयं बनाए हैं, जो चीज़ें हमें मिली हैं उसको हमने उपयोग किया है। और कैसे हुए? क्योंकि मानव संसाधन, तीसरा है हमारा मानव संसाधन, यानी मानव स्वयं एक संसाधन है। अगर मानव इन सब चीज़ का उपयोग नहीं अपने दिमाग से करता तो इतनी सब चीज़ें प्रयोग में नहीं। जैसे हम लोग जल, मानव यदि इसको इकट्ठा करके ना रखे, कभी बरसात ना हुई, कभी हमें पानी ना मिला, तो हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं, तालाब खुदवा के और संचित करते हैं। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उसका भी उपयोग हम लोग करते हैं सोलर एनर्जी के रूप में। खनिज पदार्थों का भी हम लोग एकत्रित करके रख लेते हैं। वन का भी उपयोग हम अच्छे से करते हैं। तो हर चीज़ का उपयोग जब हम अच्छे से करेंगे तो वो हमें ड्यूरेबल रहेगी, अक्षय रहेगा, हमारे पास उसका भंडार रहेगा। तो बच्चों, मानव निर्मित अगर हमें सब संसाधन मिले हुए हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे घर रहने के लिए चाहिए, सड़क चलने और के लिए चाहिए, गाड़ी घोड़ा चलाने, पुल है पार करने के लिए, नदी यदि, विद्यालय में आप पढ़ने के लिए जाते, तो ये सब की हमें ज़रूरत हुई तो हम लोगों ने इन सबका संसाधनों को बनाया है अपने जीवन के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, दैनिक जीवन में अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है इनका। तो बेटा ये मानव निर्मित, अब इसमें जो आपका प्राकृतिक संसाधन है इसको भी मैंने दो रूप में विभाजित किया है, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण। नवीनीकरण जिसको देखिए बनाया जा सकता है, जैसे ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव द्वारा नवीनीकृत अर्थात पुनः पूरित किया जा सकता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि, इन्हें अक्षय संसाधन। तो आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश है, उसको मैंने बताना सोलर एनर्जी है। आप पवन, वायु का भी उपयोग हो सकता है, पवन चक्की वगैरह बनती है, तो इन सब से बहुत सारी इनको किया जा सकता है। अब अनवीनीकरण ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित तो हुए हैं और उनका भंडार भी सीमित मात्रा में है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है और सोना है, ये सब बेटा इतना इसका प्रयोग आप ना एक बार निकालोगे और इसको जब दोबारा बनाना है तो काफ़ी समय लग जाता है। तो इन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अगर किया भी जा सकता है तो इसके लिए बहुत समय लगता है। बच्चों, ये जो संसाधन है आप इनका सही मात्रा में उपयोग करिए, स्पेशली जल का, वायु को साफ सुथरा प्रदूषित ना करिए। वायु का प्रदूषण हमारी गाड़ी से निकलने वाले धुएं से, पेट्रोल से जो होता था, आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण हमारे यहाँ वातावरण इतना अच्छा हो चुका है, समस्याएं बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के कारण समस्या नहीं, पर जो प्राकृतिक समस्याएँ थी वो दूर हो गई हैं। प्राकृतिक समस्याएं जो हो रही थी, जैसे वनों का कटना बंद हो चुका है, आपका ये वायु प्रदूषण कम हो गया है, नॉइस पोल्यूशन भी बंद हो गया है, बहुत सारे जितने प्रदूषण थे वो सब बंद हो गए हैं। आप देख रहे हो कि गंगा का पानी कितना स्वच्छ हो गया, जिसको सरकार लगातार सफाई करा रही थी वो गंगा का पानी साफ नहीं हो रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन के उसमें, क्योंकि उसमें गंदा पानी नहीं जा रहा है, जो कारखानों का गंदा मल जाता था वो नहीं जा रहा है, मतलब नदी एकदम साफ है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। वैसे ही चारों का वातावरण देख रहे हैं कि आप मई का महीना चल रहा है, इस टाइम हम लोग के यहाँ बहुत गर्मी हो जाती, बिना कूलर एसी के हम लोग रह नहीं सकते थे, लेकिन आज वातावरण, वायु स्वच्छ है और साफ है, शुद्ध है, इस कारण अभी हम लोग पंखे में भी काम चला सकते हैं, जबकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, 37 डिग्री के आसपास है। तो बेटा ये संसाधन ऐसे, आप इनका सही उपयोग, कहते हैं ना अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, इतना गाड़ी घोड़ा चल रहा था, इतनी पॉल्यूशन हो रहा था, इससे नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा था, वायु प्रदूषण भी हो रहा था, और ये सब ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा था, इन सबका सब शांत है, बिल्कुल वातावरण शुद्ध भी है और स्वच्छ भी है। तो हमें इन सब का सही उपयोग करना है, और हम सही उपयोग करेंगे तो इसका जीवन पर्यंत लाभ उठा सकते हैं, वरना इसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, इसकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। तो बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग याद करिएगा, लिखिएगा।
ठीक है, ओके।